जो जीता वही सिकंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द आइकॉनिक फिल्म और 90s किड्स की सबसे फेवरेट फिल्म। लेकिन ऐसे ही किसी फिल्म को आइकॉनिक का टाइटल मिलता नहीं है। फिल्म की कहानी और फिल्म को जिस तरीके से बनाया जाता है और फिल्म जो बनकर तैयार होती है और बॉक्स ऑफिस पर जैसा कलेक्शन होता है उसके बाद ही फिल्म को आइकॉनिक का नाम दिया जाता है और उसकी इतनी शेल्फ लाइफ कि जब भी ये फिल्म टीवी पर आए उसे देखा जाए तब जाकर फिल्म को आइकॉनिक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बनने से पहले एक टाइम ऐसा था जब इस फिल्म को बंद करने का डिसीजन ले लिया था, वो भी तब जब 75% हिस्सा फिल्म का शूट हो चुका था और सिर्फ 25% बाकी था। और इसी पॉइंट पर नासिर हुसैन साहब ने डिसीजन ले लिया था कि वो इस फिल्म को नहीं बनाएंगे। कहा जाता है कि तब क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते और कहानी जैसी उन्होंने सोची थी वैसी निखर कर नहीं आई, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। लेकिन इस डिसीजन के पीछे एक और रीज़न था। रीज़न था वो एक्टर जो था तो आमिर के साथ पैरेलल लीड या फिर सेकंड लीड में, लेकिन जब रशेस देखे गए तो आमिर की पर्सनालिटी को वो एक्टर ओवर पावर कर रहा था। आमिर और वो एक्टर जब दोनों साथ नज़र आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आमिर सेकंड लीड है और ये एक्टर लीड हीरो है। इसीलिए फिर फिल्म को रोक दिया गया, इस एक्टर को फिल्म से बाहर किया गया और उसकी जगह लिया गया दीपक तिजोरी को। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि मिलिंद सोमन है। मिलिंद सोमन तो आज भी कैसे दिखते हैं हम सब जानते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में अगर कुछ किया है तो सिर्फ अपने शरीर का ध्यान रखा है और फिटनेस को ही अपना जीवन मंत्रा बनाया है। आज 50s में भी मिलिंद सोमन इतने हैंडसम दिखते हैं तो सोचिए कि जब अपने 20s में मिलिंद सोमन थे तो वो कैसे दिखते होंगे। और यही वो टाइम था जब मिलिंद सोमन मॉडलिंग कर रहे थे और फिल्म जो जीता वही सिकंदर में आमिर खान के साथ पैरेलल लीड के रोल में मिलिंद सोमन ही थे। मिलिंद सोमन ने इस फिल्म के लिए ऊटी जाकर शूटिंग भी कर ली थी। फिल्म का 75% हिस्सा कंप्लीट हो गया था। लेकिन यही वो टाइम था जब मेकर्स ने इस फिल्म को रोक दिया और कहा गया कि क्रिएटिवली वो इस फिल्म से संतुष्ट नहीं। कहते हैं कि जब नासिर साहब ने फिल्म के रशेस देखे कि कितनी शूटिंग हुई और कैसी कहानी चल रही है, तब नासिर साहब ये देखकर हैरान हो गए कि मिलिंद सोमन तो आमिर खान की पर्सनालिटी से बहुत अलग और लीड हीरो वो लग रहे हैं। क्योंकि एक तरफ मिलिंद सोमन की हाइट, उनकी फिजीक, उनके एब्स, उनके कट्स, वहीं दूसरी तरफ आमिर खान तो नए नए आए थे और वो चॉकलेटी हीरो थे। हाइट भी उतनी थी नहीं और बॉडी भी नहीं बना रखी थी। यही कारण है कि मिलिंद सोमन के साथ आमिर खान लीड हीरो नहीं बल्कि उनके पीछे या उनके साइड हीरो लग रहे थे। नासिर साहब ने कहा कि अगर मिलिंद सोमन के साथ ही इस फिल्म को बनाया जाएगा तो फिल्म हिट नहीं होगी और आमिर नहीं मिलिंद सोमन स्टार बनेगा। जिसके बाद कहते हैं कि मिलिंद सोमन को हटाया गया इस फिल्म से, 75% हिस्सा जो उन्होंने शूट किया था उसको डस्टबिन में डाला गया और बाद में कास्ट किया गया दीपक तिजोरी को, जो छोटे रोल के लिए एंड टाइम पर भी इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए। और इस तरीके से फिर से शुरू हुई जो जीता वही सिकंदर और तब जाकर आमिर स्टार बने और दीपक तिजोरी जो स्टार बनने लायक थे वो सेकंड लीड बनकर रह गए।